भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बताया जाता है। उनकी प्रतिभा को पूरी दुनिया मान गई है, इसलिए तो उनकी आलोचना विपक्ष दल के लोग करते रहते हैं, क्योंकि सच है कि नरेंद्र मोदी अक्सर अपने किसी न किसी काम से कुछ अलग कर जाते हैं। इस बार उन्होंने प्रयागराज में कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को संगम में स्नान करके कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे थे। यहां पर पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उन्हें सम्मान दिया है। इसके अलावा ऐसा कुछ कर दिखा जो आने वाले चुनाव में शायद एक अलग ही छाप छोड़ सकती है। प्रयागराज में मोदी ने कुंभ में स्वच्छता की ओर ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसे आज तक किसी ने किसी सरकार ने नहीं देखा होगा। उन्होंने त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी और स्वच्छता को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए। पीएम मोदी ने कुंभ मेले में स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग देने वाले कर्मियों को अपने पैर धोकर एक कपड़े से पहुंचा, उसके बाद उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि आमतौर पर नवरात्रि पर कन्याओं के पैर धोकर उनका पूजन किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने पहली बार किया है। पीएम मोदी ने कुंभ के दौरान स्वच्छता अभियान के पैर धोकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित भी किया। पहले पीएम मोदी ने कुंभ में मंत्रोच्चार के साथ पूजना अर्चना भी की थी। पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की और इसके बाद वहां मौजूद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस आरती का लाभ उठाया। इसके बाद वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों को प्रसाद बांटा और अक्षयवट वृक्ष के दर्शन भी किए। कुंभ मेले में क्षेत्र में पीएम मोदी ने सफाई का जायजा भी लिया। नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी यह प्रयागराज दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इससे पहले यहां डुबकी लगा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो कैबिनेट की मीटिंग भी प्रयागराज में ही थी, जिसके कई मंत्रियों ने एक साथ यहां पर भी डुबकी लगाई थी।